बॉलीवुड के कई सितारे इन दिनों गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अरमान कोहली को पुलिस द्वारा ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद अब बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपना शिकंजा कसा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलिन से प्रवर्तन निदेशालय ने तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की है। यहाँ आपको बताया चलें कि इससे पहले ईडी ने अदाकारा यामी गौतम से भी 7 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में काफ़ी देर तक पूछताछ की थी। यहाँ ये भी जानकारी आपको देते चलें कि जैकलिन से जांच एजेंसी कई करोड़ की फिरौती मामले में भी पूछताछ कर रही है। वैसे जिस रैकेट में जैकलिन का नाम सामने आया है उसका मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर बताया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जैकलिन को किस तरह की जाँच का सामना फिर से करना पड़ेगा, साथ ही क्या उनका इस तरह के रैकेट से किसी तरह का कोई रिश्ता या कनेक्शन है। इस बात का जवाब तो आने वाले दिनों में जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जैकलिन का नाम आने के बाद उनको सोशल मीडिया पर खूब जो है एक तरह की चर्चा मिलती हुई नजर आ रही है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।